जिस तरह से आप एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में भेज सकते हैं, ठीक उसी तरह एक पेमेंट वॉलेट का पैसा भी दूसरे पेमेंट वॉलेट में भेज सकेंगे। इसे पीपीआई इंटर ऑपरेटेबिलिटी कहते हैं और आरबीआई ने इसे लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी। क्या है इस गाइडलाइंस में और कैसे उपभोक्ताओं को इससे फायदा होगा, अनुराग शाह हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। अनुराग बताइए किस तरीके से फायदेमंद होगा ये? दूसरे वॉलेट के अंदर पेमेंट कर पाएंगे यानी मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे आप पेटीएम वॉलेट से मोबीक्विक वॉलेट के अंदर मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर उबर बुक करनी है तो उसके लिए आप ओला मनी के अंदर पड़े पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीपीआई इंटरऑपरेटिबिलिटी को गाइडलाइन जारी की है और इसको मंजूरी दी है। जिस तरह से पेमेंट कंपनियाँ लंबे वक्त से इसकी मांग कर रही थी और उसके बाद अब इसे मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जो गिफ्ट कार्ड है या फिर जो मील वाउचर्स है उनके अंदर भी जो इंटरऑपरेटिबिलिटी है उसको मंजूरी दे दी गई है। और लेकिन इसमें एक चीज़ और ये कही गई है कि जो केवाईसी नियम है, जो भी ये ट्रांसफ़र किए जाएंगे या ट्रांजेक्शन किए जाएंगे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर, तो उसमें केवाईसी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। और जो गिफ्ट कार्ड्स होंगे उसके अंदर जो पिन जो होता है 4 डिजिट का पिन है उसका भी इस्तेमाल करना जरूरी होगा। तो जिस तरह से लंबे वक्त से इसकी मांग हो रही थी वॉलेट्स कंपनियों के द्वारा, पेमेंट्स कंपनियों के, तो आखिर में आज आरबीआई की तरफ से प्रीपेड पेमेंट इंटरऑपरेटिबिलिटी की जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई है। शुक्रिया अनुराग इस सब जानकारी के लिए आपका। तो अब ये वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर भी आपको देखने को मिल सकता है कुछ वक्त में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनील कुलकर्णी साहब हैं, ज्वाइंट एमडी हैं ऑक्सीजन के। सर बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। काफी वक्त से जब से डिजिटलाइजेशन की बात हुई है जो पेमेंट वॉलेट है वो काफी इस्तेमाल में आए हैं, लोगों को इससे काफी फायदा भी हुआ है। अब अगर इसको लागू किया जाएगा तो आप क्या इसके अंदर कोई दिक्कत देखते हैं और कब तक आपके हिसाब से इसको लागू किया जा सकता है? नहीं, इसमें दिक्कत तो नहीं है, ये बहुत बड़ा कदम है। इसमें अगले 2 से 4 महीने के बीच में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा जी। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो पेमेंट वॉलेट थे उनको हर एक मर्चेंट के साथ साइन अप करना पड़ता था, तो अब रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड, भारत क्यूआर कोड, इन चारों के जरिए बिना किसी मर्चेंट साइन अप के, जैसे नॉर्मल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है, उसी तरह ऑक्सीजन वॉलेट को रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड या भारत क्यूआर कोड के साथ जोड़ा जा सकता है। ये एक मर्चेंट पेमेंट की बहुत बड़ी सुविधा इससे लागू हो जाएगी। उसी तरह ऑनलाइन भी सारी वेबसाइट पे किसी भी इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए और यूपीआई के थ्रू जो हो जाएगा। ये तो था मर्चेंट पेमेंट का। और दूसरा है कि किसी भी बैंक अकाउंट या वॉलेट या किसी भी वॉलेट, जैसे ऑक्सीजन वॉलेट से मोबीक्विक या ऑक्सीजन वॉलेट से पेटीएम या ऑक्सीजन वॉलेट से किसी भी बैंक अकाउंट में, दोनों तरफ फ्री फ्लो ऑफ फंड हो जाएगा, जैसे आज भीम यूपीआई में होता है। तो मनी ट्रांसफर या अगर आपके पास व्हाट्सएप है, गूगल पेज है या कोई भी आपके पास ये एप्लीकेशन है जिसमें यूपीआई है, तो आप अपने वॉलेट में कैश लोडिंग करके व्हाट्सएप के थ्रू मनी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में। तो ये ही बहुत ही फंडामेंटल फैसिलिटीज दी गई है जो बहुत ही माइक्रो पेमेंट्स को, छोटे छोटे पेमेंट्स को आगे बढ़ाएगी और डिजिटाइजेशन में बहुत बड़ा इसमें बदलाव आएगा। बिल्कुल सर, आपके हिसाब से काफी बदलाव आएगा, ऑलरेडी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार भी चाहती है कि आप इस तरफ आइए, डिजिटल पेमेंट की तरफ आगे बढ़िए। लेकिन अगर ये चीज़ आगे बढ़ती हैं, मान लीजिए ऑनलाइन ट्रांसफर दोनों जो पेमेंट बैंक्स हैं उनके बीच में आपस में होता है, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नजर आती है? मान लीजिए कोई अगर पेमेंट रखती है, जैसे कि अक्सर हो जाता है ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, तो उन सब मामलों को सुलझाने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी पेमेंट जो कंपनी है पेमेंट वॉलेट इस्तेमाल करती है? हाँ, इसमें ऐसा इन्होंने किया है आरबीआई ने कि ये सारी इंटरऑपरेबिलिटी के लिए जो कस्टमर ग्रीवेंस की, जिसको कि ग्राहक शिकायत का जो समाधान बोला जाता है, वो उन्होंने किया है कार्ड नेटवर्क के जरिए और एनपीसीआई के जरिए, जो आज बैंकों के लिए भी सेम माध्यम है। तो जो भी दिक्कतें किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर आती है किसी भी ग्राहक के समाधान के लिए, वो सारी ही सुविधाएं और वो सारी फैसिलिटी ये वॉलेट के लिए भी दी जाएगी। तो सारी वॉलेट कंपनियों को ये सारी सुविधाओं का
इस्तेमाल करना होगा और उनको ये सारा ध्यान रखना होगा कि ग्राहक समाधान उसी तरह किया जाए जैसे ऐसे बैंक अकाउंट को किया जाता है। जी शुक्रिया सर ज़ी बिजनेस से बात करने के लिए। सुनील कुलकर्णी ज्वाइंट एमडी ऑक्सीजन हमारे साथ थे, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से पेमेंट वॉलेट टू पेमेंट वॉलेट जब ट्रांसफर होंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी।